नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है मशरूम फ्राइड राइस। ये जो मैं बना रही हूँ, लेफ्ट ओवर राइस से बना रही हूँ। थोड़े से चावल बचे हुए थे तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो इसलिए मैंने प्याज और हरी मिर्च और मशरूम डाल के उसको तड़का लगाया, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जिसके लिए एक बचे हुए चावल लिए हुए हैं, जैसे एक बड़ा बाउल है, और दो बड़े प्याज काट लिए और दो हरी मिर्च मैंने लंबाई में काट ली है, और तीन से चार मैंने मशरूम अच्छी तरह से धो करके इस तरह से बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिए हैं। तड़के के लिए तेल है, दो छोटे चम्मच जीरा है, एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर लिया हुआ एक छोटा चम्मच, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी है और गैस ऑन कर दिया। मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, तेल गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए तो मैं इसमें प्याज डालती हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही इसमें मैं मशरूम भी डाल दूंगी। दोनों साथ में अच्छे से भून जाएंगे, हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा। फिर इसमें मसाले और फिर राइस डाल देंगे और जल्दी ही तैयार हो जाते हैं ये लेफ्ट ओवर मशरूम फ्राइड राइस, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बचे हुए चावल का एक बहुत ही अच्छा यूज है ये, इस तरह से भूनने देते हैं। लगातार तीन से चार मिनट हो चुका है धीमी आंच से प्याज और मशरूम को भूनते हुए। आप देख सकते हो कि प्याज और मशरूम दोनों का कलर चेंज हो गया है और हल्के से ये सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि नमक का टेस्ट तो मशरूम में आ ही जाए और वो थोड़े से पक भी जाए और ये हल्के से थोड़े क्रंची अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ बस और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा और भूनूँगी ये मशरूम प्याज को। और गैस की आँच मैंने कमी रखी हुई है। नमक डालने के बाद मैंने दो से तीन मिनट और भून लिया। अब देख सकते हो कि कलर और अच्छे से चेंज हो गया है। तो मैं इसमें हल्दी और मिर्च पाउडर डाल दूंगी। मिर्च डाल दूंगी, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चावल तो पके हुए हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। चावल डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले प्याज मशरूम चावल के साथ में। मिक्स करने के बाद में दो से तीन मिनट इसे ढक दूंगी ताकि काफ़ी अच्छे से टेस्ट आ जाए चावल में मसालों का। ये देखिए चावल के साथ में सभी मसाले प्याज मशरूम कितने अच्छे से मिक्स हो गए और बहुत ही अच्छा कलर आया है। चाहे तो आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हो, अपने पसंद की और कोई सब्जी भी डाल सकते हो, लेकिन मशरूम और प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अच्छे से मिक्स हो गया और धीमी आंच पे ही रख के मैं इसे दो से तीन मिनट के लिए स्टीम दे देती हूँ ताकि चावल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका टेस्ट भी आ जाए इसमें सभी मसालों का। लगभग तीन से चार मिनट मैंने चावल डालने के बाद में स्टीम दे दिया है ताकि मसालों का टेस्ट चावल में आ जाए और चावल भी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि चावल पहले के बने हुए हैं ठंडे भी हैं। तो अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। हरे धनिया से बहुत ही अच्छा लुक तो आता ही है, टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हरे धनिया को चावल में अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये लेफ्ट ओवर मशरूम फ्राइड राइस खाने के लिए तैयार है। मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी।
गर्मा गर्म मशरूम फ्राइड राइस जो मैंने लेफ्ट ओवर राइस से बनाया है तैयार है खाने के लिए, और साथ में मैंने नींबू भी रखा है। नींबू निचोड़ के खाइए, इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। आपने देखा कि कितनी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। और बचे हुए चावल का एक बहुत ही अच्छा यूज़ है, जिसमें आप प्याज और मशरूम डाल करके चावल का टेस्ट बढ़ा सकते हो, चावल को बहुत ही टेस्टी बना सकते हो, जिससे अब बचे हुए चावल हम खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि लेफ़्ट ओवर राइस जिसे हमने तड़का लगाया है प्याज और मशरूम का, तो बनाकर देखिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि कैसा लगा आपको इसका स्वाद। तो मिलता है एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।